नमस्कार दोस्तों, तो इससे पहले मैंने ऑलरेडी 15,000 रुपए के आसपास बेस्ट गेमिंग, बेस्ट ऑलराउंड, बेस्ट 5G ये सभी फ़ोन के ऊपर मैंने टॉप 5 लिस्ट बना दिया है, आई बटन में देख सकते हैं। उसके बाद मैंने 12,000 के आसपास कौन कौन सा फ़ोन आपको लेना है उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना दिया है, आई बटन में देख सकते हैं। लेकिन आप में से बहुत सारे लोग मुझे पूछ रहे थे कि इसके बाद आपको 10,000 रुपए के आसपास मतलब 10,000 रुपए के नीचे सबसे बेस्ट ऑलराउंड स्मार्टफोन का लिस्ट चाहिए इस सेल के दौरान। तो चलिए इस वीडियो में आपको बताऊंगा, अगर आपका बजट है 10,000 रुपए के नीचे, 10,000 के ज्यादा नहीं, 10,000 के नीचे अगर आपका बजट है और अगर आपके पास किसी भी बैंक का कार्ड नहीं है, जस्ट आपको कैश डिस्काउंट की मदद से स्मार्टफोन लेना है, तो इस 10,000 के अंदर इस सेल में कौन कौन सा टॉप 5 स्मार्टफोन लेना है, इस वीडियो में आपको उसके बारे में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना कोई वक्त खबर। आज का वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप गैजेटोल चैनल पर नए हैं और ऐसी स्मार्टफोन रिलेटेड वीडियो डेली देखना चाहते हैं तो गैजेटोल चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो 10,000 रुपये अगर आपका बजट है तो आज के दिन में आपके लिए सबसे बढ़िया ऑलराउंड स्मार्टफोन है इन्फिनिक्स नोट 12, जिसका नॉर्मल टाइम में प्राइस है 12,000 रुपये। अभी ये फ़ोन आपको मिलेगा 10,000 रुपये पे, ये फ़ोन फ्लिपकार्ट में अवेलेबल है। इसमें आपको मिलेगा 6.7 इंच फुल एचडी प्लस 60Hz एमोलेड डिस्प्ले, जिसके साथ आपको मिलेगा 180Hz का टच सैम्पलिंग रेट। प्रोसेसर में आपको मिलेगा हीलियो G88 प्रोसेसर, 52 मेगापिक्सल का रियर कैमरा, उसके साथ होगा 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा। इस प्राइस पॉइंट में आपको मिलेगा इसका 4GB रैम, 64GB मेमोरी। इसका रैम का क्वालिटी है LPDDR4X, मेमोरी का क्वालिटी है EMMC 5.1 और इसके साथ डेफिनेटली आपको मिलेगा 2+1 कार्ड स्लॉट। बैटरी में आपको मिलेगा 5000mAh बैटरी, 33W का चार्जर और ऑडियो के मामले में इसमें डेफिनेटली आपको मिलेगा डुअल स्टीरियो स्पीकर। अब एक चीज़ देखिए, 10,000 अगर आपका बजट है तो बहुत ही कम स्मार्टफोन आपको फुल HD प्लस डिस्प्ले प्रोवाइड करेगा, लेकिन इस सेल के दौरान इन्फिनिक्स आपको दे रहा है फुल HD प्लस डिस्प्ले और वो भी सुपर एमोलेड वाला। प्रोसेसर भी इसका प्राइस पॉइंट के हिसाब से ठीक ठाक है, 50MP का कैमरा मिल रहा है ओके, 16MP का फ्रंट कैमरा और जो सबसे मेन चीज़ डुअल स्टीरियो स्पीकर आपको मिल रहा है। तो इसीलिए 10,000 अगर आपका बजट है तो आज के दिन में इन्फिनिक्स नोट 12 से बेटर स्मार्टफोन और कोई पॉसिबल नहीं। लेकिन फॉर सम रीजन इन्फिनिक्स नोट 12 अगर मार्केट में अवेलेबल नहीं है तो सेम प्राइस पॉइंट में आपको मिलेगा इन्फिनिक्स नोट 11 वाला स्मार्टफोन, जिसका नॉर्मल टाइम में प्राइस है 11,000 के आसपास, अभी आपको मिलेगा 10,000 पे। इसमें आपको मिलेगा वही सेम 6.7 इंच फुल HD प्लस 60Hz एमोलेड डिस्प्ले, उसके साथ होगा 180Hz का टच सैम्पलिंग रेट। प्रोसेसर में आपको मिलेगा हीलियो G88 प्रोसेसर, 52 मेगापिक्सल का रियर कैमरा, उसके साथ होगा 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। इस प्राइस पॉइंट में आपको मिलेगा इसका 4GB रैम, 64GB मेमोरी। इसका रैम का क्वालिटी है LPDDR4X, मेमोरी का क्वालिटी है EMMC 5.1 और इसके साथ आपको मिलेगा 2+1 कार्ड स्लॉट। बैटरी में मिलेगा 5000mAh बैटरी, 33W का चार्जर और इसमें भी आपको मिलेगा डुअल स्टीरियो स्पीकर। अभी आप लोगों से लग रहा होगा कि इन्फिनिक्स नोट 12 और जो इन्फिनिक्स नोट 11 दोनों सेम स्मार्टफोन है तो डिफरेंस कहाँ पर है। देखिए डिफरेंस दो जगह पे, जो नया वाला नोट 12 उसमें आपको मिलेगा 1000 nits तक का मैक्सिमम डिस्प्ले ब्राइटनेस, इस नोट 11 पे आपको मिलेगा 650 nits तक का मैक्सिमम डिस्प्ले ब्राइटनेस। और जो दूसरा चेंजेस है कि जो नया वाला नोट 12 इसमें आपको मिलेगा एंड्रॉयड 12 आउट ऑफ द बॉक्स और जो पुराना वाला नोट 11 उसमें आपको मिलेगा एंड्रॉयड 11 आउट ऑफ द बॉक्स। बस ये दो जगह आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो इसीलिए 10,000 के अंदर दूसरा सबसे बढ़िया ऑलराउंड स्मार्टफोन है इन्फिनिक्स नोट 11। इसके बाद 10,000 के अंदर तीसरा सबसे बढ़िया ऑलराउंड स्मार्टफोन है इन्फिनिक्स हॉट 11S। और ये जो स्मार्टफोन पर्सनली मैं इस्तेमाल करता हूं, मतलब मेरे घर के लोग इस्तेमाल करते हैं, तो मैं अच्छे से जानता हूं कि इसका जो हार्डवेयर क्वालिटी वो कैसा है। इस स्मार्टफोन का नॉर्मल टाइम में प्राइस है 11,000 के आसपास, अभी आपको मिलेगा एग्जैक्टली 10,000 पे। इसमें आपको मिलेगा 6.67 इंच फुल HD प्लस 90Hz IPS LCD डिस्प्ले, उसके साथ मिलेगा 180Hz का टच सैम्पलिंग रेट। प्रोसेसर में आपको मिलेगा हीलियो G88 प्रोसेसर, 52 मेगापिक्सल का रियर कैमरा, उसके साथ 8MP का होगा फ्रंट कैमरा। इस प्राइस पॉइंट में आपको मिलेगा इसका 4GB रैम, 64GB मेमोरी। इसका रैम का क्वालिटी है LPDDR4X, मेमोरी का क्वालिटी है EMMC 5.1 और इसके साथ भी आपको मिलेगा 2+1 कार्ड स्लॉट। बैटरी में आपको मिलेगा 5000mAh बैटरी, उसके साथ 18W का चार्जर और इसमें भी आपको थैंकफुली मिलेगा डुअल स्टीरियो स्पीकर। तो जैसे कि देख सकते हैं आज के दिन में मतलब इस सेल के दौरान 10,000 के अंदर का टॉप 3 स्मार्टफोन ही आपको मिलेगा इन्फिनिक्स ब्रांड की तरफ से। और अगर मैं इस इन्फिनिक्स नोट 11 इसके बारे में मेरा ओपिनियन देता हूँ तो देखिए, जैसा इन्फिनिक्स और टेक्नो ब्रांड का एक प्रॉब्लम होता है, ये लोग हर 6 या 7 महीने बाद एक सॉफ्टवेयर अपडेट आपको प्रोवाइड करता है। इसमें भी एग्जैक्टली सेम कोई भी डिफरेंस नहीं। लेकिन अगर हार्डवेयर के बारे में बात करें या फिर नॉर्मल किसी सॉफ्टवेयर ग्लिच के बारे में बात करें, सिस्टम में कोई भी सॉफ्टवेयर ग्लिच नहीं है, ये चीज़ मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। कोई भी ज़्यादा आलतू फालतू का सॉफ्टवेयर नहीं है, ये चीज़ मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। और अगर हार्डवेयर के बारे में बात करें, देखिए
जैसे Redmi या फिर बाकी फ़ोन में क्या होता है, कुछ महीने बाद जो चार्जिंग सिस्टम उसमें कुछ इशू या फिर जो 3.5mm जैक उसमें कुछ इशू होता है, लेकिन मैं पिछले दो साल से Infinix या फिर Tecno के अलग अलग स्मार्टफोन मैंने इस्तेमाल किया है, हर एक में मैंने देखा है मतलब एटलीस्ट किसी भी स्मार्टफोन में मुझे तो कोई हार्डवेयर का इशू देखने को नहीं मिला। तो इसीलिए 10,000 के अंदर का ये जो Infinix Hot 11s आप लोगों के लिए तीसरा सबसे बढ़िया ऑलराउंड स्मार्टफोन है। तो इसके बाद 10,000 के अंदर का फोर्थ सबसे बढ़िया ऑलराउंड स्मार्टफोन है एक इंडियन ब्रांड की तरफ से जिसका नाम है Micromax E1, जिसका नॉर्मल टाइम प्राइस है 10,500 या फिर 11,000 के आसपास, अभी आपको मिलेगा एग्जैक्टली 10,000 रुपए पे। इसमें आपको मिलेगा 6.67 इंच फुल HD प्लस 60Hz IPS LCD डिस्प्ले। इसके साथ आपको कितने हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग रेट मिलेगा कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं। प्रोसेसर में आपको मिलेगा हीलियो G85 प्रोसेसर, 485/202 मेगापिक्सल का रियर कैमरा और 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा आपको मिलेगा। मतलब इस प्राइस पॉइंट का वन एंड ऑनली ऐसा डिवाइस है जो कि आपको मेगापिक्सल के मामले में सबसे ज़्यादा कैमरा सेटअप आपको प्रोवाइड कर रहा है। इस फोन में आपको मिलेगा 4GB रैम 64GB मेमोरी, इसका रैम का क्वालिटी है LPDDR4X, मेमोरी का क्वालिटी है EMMC 5.1 और इसमें भी आपको मिलेगा 2+1 कार्ड स्लॉट। बैटरी में मिलेगा 5000mAh बैटरी, 18W का चार्जर, लेकिन सैडली स्पीकर के मामले में आपको इसे मिलेगा सिंगल स्पीकर। और क्योंकि Micromax की तरफ से स्मार्टफोन है तो इसीलिए ये एक्चुअली हमारे इस लिस्ट का एक लौता ऐसा स्मार्टफोन है जो कि आपको स्टॉक एंड्रॉइड प्रोवाइड करेगा। Motorola का स्मार्टफोन भी आपको स्टॉक एंड्रॉइड प्रोवाइड करता है लेकिन वो ऑलराउंड स्मार्टफोन की लिस्ट में नहीं है, उस स्मार्टफोन को मैंने किसी अलग डिपार्टमेंट में रखा है, उसके बारे में वीडियो में बाद में जरूर बनाऊंगा। लेकिन Micromax का ये जो स्मार्टफोन 10,000 के अंदर मेरे ख्याल से फोर्थ सबसे बढ़िया ऑलराउंड स्मार्टफोन है। और इसके बाद 10,000 रुपए के अंदर फिफ्थ सबसे बढ़िया ऑलराउंड स्मार्टफोन है Tecno Spark 8 Pro, जो कि आज से एक साल पहले लॉन्च हुआ था। ये जो स्मार्टफोन Amazon पे अवेलेबल है, इसका नॉर्मल टाइम में प्राइस है 10,500 के आसपास, लेकिन अभी ये फोन आपको मिलेगा एग्जैक्टली 9,000 पे। इसमें आपको मिलेगा 6.8 इंच फुल HD प्लस 60Hz IPS LCD डिस्प्ले, उसके साथ आपको मिलेगा 120Hz का टच सैम्पलिंग रेट। मतलब Tecno का ये जो स्मार्टफोन है प्राइस पॉइंट का एक लौता ऐसा फ़ोन है जो कि आपको सबसे बिगेस्ट डिस्प्ले और वो भी फुल HD प्लस क्वालिटी में प्रोवाइड कर रहा है। उसके साथ आपको मिलेगा हीलियो G85 प्रोसेसर, 48/202 मेगापिक्सल का रियर कैमरा, उसके साथ मिलेगा 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। इस प्राइस पॉइंट में आपको इसे मिलेगा 4GB रैम 64GB मेमोरी, इसका रैम का क्वालिटी है LPDDR4X, मेमोरी का क्वालिटी है EMMC 5.1 और इसके साथ भी डेफिनेटली आपको मिलेगा 2+1 कार्ड स्लॉट। बैटरी में आपको मिलेगा 5000mAh बैटरी और 33W का चार्जर। मतलब ये प्राइस पॉइंट का एक लौता ऐसा फ़ोन है जिसमें आपको 33W का चार्जर और वो भी 9000 के आसपास आपको मिलेगा, लेकिन सैडली स्पीकर के मामले में आपको इसे मिलेगा सिंगल स्पीकर का ऑप्शन। तो यही एक्चुअली है मेरे ख्याल से अभी के टाइम पे मतलब इस सेल के टाइम पे 10,000 रुपए के नीचे टॉप 5 सबसे बढ़िया स्मार्टफोन का लिस्ट। लेकिन अगर मैं मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन देता हूँ तो Infinix Note 12 वाला स्मार्टफोन ले लीजिए, किसी भी फोन और लेने की कोई जरूरत नहीं, बहुत ही बढ़िया वो स्मार्टफोन है। तो अभी आप मुझे इनके कमेंट में जरूर बताना कि अब इसके बाद ऐसे कौन से स्मार्टफोन का लिस्ट देखना चाहेंगे सेल के दौरान, इसके बारे में मुझे कमेंट में कहना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक स्टे ट्यून्ड एंड ऑलवेज रिमेंबर, थिंक पॉजिटिव बी पॉजिटिव। थैंक यू।